कल का मैच सच में किसी ने सच कहा है कि कल क्रिकेट जीता है। मेरे साथ पूर्व क्रिकेटर मौजूद हैं केके शर्मा जी, इनसे जानेंगे अफगानिस्तान की टीम के बारे में कि उन्होंने किस तरह का परफॉर्म किया है और किस तरह से इम्प्रूव किया है और दोनों क्या मायने हैं, क्योंकि आने वाले समय में अफगानिस्तान टीम के बारे में जानेंगे। विशेषज्ञ हैं, क्रिकेटर हैं केके शर्मा जी के साथ। सर, कल अफगानिस्तान का खेल जो देखा जाए, इंडिया जीती है अच्छी बात है, लेकिन अफगानिस्तान ने जिस तरह का कल गेम खेला, क्रिकेट खेली, क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने क्रिकेट बहुत शानदार क्रिकेट खेल खेला, लोग दिलों को जीता है, हिंदुस्तानियों के भी दिलों को जीता, वर्ल्ड के सारे जितने भी क्रिकेट प्रेमी है सबके दिलों को उन्होंने जीता है। वो है ना, हार भले गए लेकिन लड़कर हारे हैं, और दो टीमें खेल रही है, एक टीम जीतती है, लेकिन जो इतनी खूबसूरत लड़ाई और लड़ी है, गेंद और बल्ले की लड़ाई होती है, वैसे दो देशों की लड़ाई नहीं, दो इंसानों की लड़ाई नहीं है। मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे कारण क्या है कि अफगानी क्रिकेट जो है वो इम्प्रूव कैसे की है। बीसीसीआई ने हेल्प की उनकी। हिंदुस्तान के अंदर देहरादून में उनका अपना व्यक्तिगत ग्राउंड है, एक प्रकार से उनका पर्सनल ग्राउंड है जो हायर किया हुआ है देहरादून के अंदर, शानदार सुविधाओं के साथ में, और उनके जो कोच है फिल सिमंस, जो ऑलराउंडर थे वेस्ट इंडीज के, टॉप क्लास ऑलराउंडर थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल 3 कोच है वो। आज जो है ना, पूरी दुनिया के अंदर जो क्रिकेटर्स है ना वो पढ़ रहे हैं, जो उनके पास एक्सपीरियंस है ना वो इंटेलिजेंटली वो प्लेयर्स को देने के लिए उनको पढ़ाई करनी पड़ती है। आईसीसी की एक गाइडलाइन है कि आप पढ़ाई करो, आपको फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोमैकेनिक्स सब पढ़ना पड़ेगा, बेसिक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, तभी आप बता सकते हैं। आप कितने भी अनुभवी हो, अगर आपको बताना नहीं आता है, इंटेलिजेंटली नॉलेज को अप्लाई करना नहीं आता है, आप एक सक्सेसफुल कोच नहीं हो सकते। फिल सिमंस उनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेटर थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोच है, इसलिए उन्होंने अपनी वो बॉडी लैंग्वेज, अपने वो थॉट्स, अपना वो एग्रेशन, अपना वो कंट्रोल उन्होंने उन क्रिकेटर्स में डाला। क्या बैटिंग की कंट्रोल के साथ में नवी ने, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग। क्या बॉलिंग की राशिद ने, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग। कमाल की टीम बनती जा रही है, पहले T20 फॉर्मेट में थी लेकिन अभी वनडे में भी प्रूव कर रही है अफगानिस्तान। ऑल द बेस्ट अफगानिस्तान, यू आर डूइंग वेरी गुड इन क्रिकेट। चलिए, केके शर्मा जी ने बताया किस तरह से अफगानिस्तान की टीम ने परफॉर्म किया, और हम चाहते हैं कि दोबारा अफगानिस्तान की टीम इसी तरह से बल्ला उठाए और अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन दिल से हम यही चाहते हैं कि वर्ल्ड कप दोबारा भारत जीते। सरकार